हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम। Through the coin in the air, and it came down as a win for the Mumbai Indians, who chose to bowl first. They've been very good at chasing, so they are sticking to that formula. Yeah, they got a well-balanced side once again. Prabh Simran, Shikhar Dhawan, Surya's coming in as an impact player. दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शिखर धवन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ पंजाब किंग्स ने रचा नया इतिहास, चौके छक्कों की बरसात कर मचाई इस कदर तबाही, थर थर कांप उठी मुंबई इंडियंस की टीम। तो आखिर कैसे लिविंगस्टन के साथ मिल पंजाब के बल्लेबाजों ने उड़ा कर रख दी IPL की सबसे सफल टीम की धजिया? क्या कुछ हुआ मुंबई और पंजाब के बीच हुए महामुकाबले में, जिसमें गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में IPL के सभी पुराने रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और शिखर धवन में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार मुंबई इंडियंस के सामने गब्बर के पंजाब किंग्स की चुनौती थी। रोहित और धवन के बीच होने वाली इस जबरदस्त लड़ाई को देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। मोहाली का मैदान खचा खच भरा हुआ था, दर्शकों का जोश और रोमांच अपने चरम पर था और लोग एक कांटे के मुकाबले के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पंजाब के मैदान पर एक बार फिर किस्मत ने रोहित शर्मा का साथ दिया और सिक्का रोहित के पक्ष में रहा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेजबान को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। दोस्तों, पंजाब के लिए एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाना चाहते थे और पहले ओवर से ही उन्होंने अपने ये इरादे जाहिर कर दिए थे। कप्तान शिखर धवन ने अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए इतनी खूबसूरत कवर ड्राइव लगाई कि रोहित शर्मा भी देखते ही रह गए, पर ये तो केवल नमूना मात्र था। अगले ओवर में शुरुआत ही दूसरे छोर पर खड़े प्रभसिमरन सिंह ने कुछ उसी अंदाज में कवर ड्राइव से चौका बटोर कर की थी। ऐसा लग रहा था कि पिच बल्लेबाजों के लिए तो जन्नत के समान है और बल्लेबाज जमकर कहर बरपाने वाले हैं, लेकिन तभी जब पंजाब के फैंस के चेहरों पर मुस्कान आई ही थी कि अरशद खान ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। जी हाँ, इट का जवाब पत्थर से देते हुए इस गेंदबाज ने इतनी घातक गेंद डाली जो प्रभसिमरन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई और ईशान ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। बहुत जल्द मुंबई इंडियंस को पहली सफलता हासिल हो गई थी। प्रभसिमरन 9 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मैथ शॉट ने अपना खाता ही शानदार पुल शॉट से चौका बटोर कर खोल दिया था। दूसरे छोर से शिखर धवन का बल्ला दहाड़ रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैमरन ग्रीन को भी निशाना बनाते हुए उन्होंने इस गेंदबाज को भी बाउंड्री के दर्शन करा दिए थे। वो पंजाब की पारी को तेजी से बढ़ाने लगे थे। किसी भी कीमत पर उनका विकेट मुंबई को चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने उतरे मैथ्यू शॉट के इरादे तो कुछ और ही थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने पहले अपने खतरनाक पुल शॉट से एक तूफानी छक्का बटोरा तो ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने अचानक से मुंबई के खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। 5 ओवरों में ही इन दोनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों टीमों के लिए सकारात्मक शुरुआत थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और ऐसे में कप्तान रोहित भी विकेटों की तलाश कर रहे थे। और ऐसे में रोहित एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए उन्होंने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पीयूष चावला को पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने की कमान सौंप दी। मुंबई के करोड़ों फैंस को इस गेंदबाज से विकेटों की उम्मीद थी, लेकिन शिखर धवन ने पीयूष का स्वागत उनके सिर के ऊपर से खूबसूरत चौका बटोर कर दिया था। वो किसी भी कीमत पर उन पर रहम करने वाले तैयार नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने दोबारा उस गेंद का भी वही अंजाम किया और लगातार दो गेंदों पर उन्होंने दो तूफानी चौके जड़कर रोहित के मास्टर प्लान को पूरी तरीके
से खराब कर दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर जहां पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, तो वहीं रोहित शर्मा से लेकर मुंबई इंडियंस का खेमा हैरान और परेशान हो गया था। 6 ओवरों के पावर प्ले में उन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां एक तरफ शिखर धवन दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के फील्डर्स तो हाथों पर साबुन लगाकर आए थे। जहां बाउंड्री पर खड़े अर्शद खान से शिखर धवन का कैच मिसफील्ड हो गया और उसमें बाउंड्री मिल गई, तो फिर 7वें ओवर में जब शिखर धवन गलती कर बैठे और गेंद आर्चर की गोदी में जा रही थी, तो इस खिलाड़ी ने अपने हाथों से आसान सा कैच टपका दिया और गब्बर को इस मुकाबले में 2 बार जीवन दान मिल गया। इसके बाद तो रोहित शर्मा भी काफी गुस्से में नजर आए, क्योंकि उन्हें भी मालूम चल गया था कि ये गलतियां मुंबई की टीम पर भारी पड़ सकती हैं। दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए शिखर धवन ने पीयूष चावला का स्वागत ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से कर दिया। हालांकि पीयूष चावला को पीट पाना बच्चों का खेल नहीं है और इस खिलाड़ी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए शिखर धवन को अपने जाल में फंसा लिया। दोबारा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गब्बर गलती कर बैठे, जिन्हें ईशान किशन ने पलक झपकते ही स्टंप कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। जी हां दोस्तों, इतने अहम मुकाबले में शिखर धवन 19 गेंदों पर 30 रनों की आतिशी पारी खेलकर वापस लौट गए, जिसके बाद तो मुंबई इंडियंस के खेमे में जश्न का माहौल था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे लियाम लिविंगस्टन। अब इन दोनों विदेशी खिलाड़ियों पर पंजाब की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी थी। 9 ओवरों में पंजाब ने 71 रन बना लिए थे, जहां से पंजाब कम से कम 200 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को एक कड़ी टक्कर देने का मादा रखती है और ऐसे में एक बार फिर मुकाबला कांटे का होगा, जिसमें कोई भी टीम बाजी मार सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंजाब और मुंबई में कौन सी टीम आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।